सब्सक्राइब कीजिए मैथ इन सेकेंड्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को और पाइए मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स की जानकारी सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों फिर आए हम आपके सामने नए मेथड का सवाल लेके। दोस्तों देखिए सवाल क्या है, अंडर रूट 2025.11 गुणा अंडर रूट 256.04 प्लस अंडर रूट 399.95 गुणा अंडर रूट एक्स बराबर 33.98 गुणा 40.11। तो दोस्तों आपने देखा कितना टिपिकल टाइप का एक क्वेश्चन लग रहा है, इसको तो पढ़ने में इतना हमारा तकरीबन 30 सेकंड खत्म हो गया, तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा आप भी ये सोच रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ किस तरह क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इसमें निकालना क्या है, आपको यहाँ पे आपको ये निकालना है अंडर रूट एक्स का मान निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसने आपको ये वाला पूरा जो क्वेश्चन है उसका हल तो आपको दिया हुआ है, पर जो मिसिंग जो करेक्टर है वो ये आपका अंडर रूट एक्स का मान, ठीक है, और वो भी आपको सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले देखिए 2025.11, तो हम पॉइंट्स के बाद जो भी संख्या है अगर वो हमारी एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा मतलब अगर वो 0.50 से ज्यादा होगी तो हम उसको एक उसमें एक ऐड कर देते हैं आगे वाली संख्या में, मतलब 2025 में एक ऐड कर देते हैं। पर ये वाली जो संख्या है दोस्तों ये आपकी 0.50 से कम की है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ऐसे ही 2025 किसका वर्ग है, तो दोस्तों ये वर्ग होता है 2025 वर्ग आपको खुद याद करने ही होंगे, और अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो मैं आपको वर्ग निकालना उनको बताया था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए 2025 जो वर्ग है वो है 45 का, अब हम उसको अंडर रूट जो है उसको हटा हट जाएगा गुणा 256 किसका वर्ग है, 256 है 16 का, प्लस यहाँ पे देखिए 399.95 इसका मतलब ये जो संख्या है आपकी 0.50 से 0.50 से ज्यादा है तो क्या करना है आपको इस वाली संख्या में एक जोड़ देना है, ठीक है। तो आप इसको कर दीजिए 400 और 400 किसका वर्ग होता है 20 का, तो यहाँ पे कर दिया हमने 20 गुणा अंडर रूट एक्स का मान आपको दिया हुआ नहीं है तो इसको आप ऐसे कैसे रहने दीजिए बराबर। अब यहाँ देखिए 33.98 इसका मतलब 0.50 से ज्यादा है संख्या, तो आपको क्या करना है आगे वाली संख्या मतलब पॉइंट से पहले वाली संख्या में जोड़ देना है, तो हम इसको क्या करेंगे 34 गुणा इसमें 40.11 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। अब आप इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले बोडोमस फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले गुणा को सोल्व किया जाता है, तो 45 गुणा 16 करते हैं, तो गुणा करने के लिए आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी, तो 4 × 4 और 5 × 6 30, फिर 5 × 5 और इसको 4 × 24 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 29, तो आखिर का लिख लेंगे 0 29 और 3 कितना होता है 32 और ये आ जाएगा 720। तो यहाँ पे आपको करना है 720 प्लस 20 गुणा अंडर रूट एक्स करना है, तो आप इसको गुणा कर दीजिए अंडर रूट एक्स को, कैसे करेंगे 20 अंडर रूट एक्स बराबर 34 को 40 से गुणा करेंगे ऐसे ही, तो 4 × 3 = 12 और 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 4 × 4 = 16 और 3 को 0 से गुणा किया तो 0, तो 16 का यहाँ जाएगा, तो 0, 6, 12 = 13 तो यहाँ पे आ गया 1360, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है 20x को तो आप यहाँ ले आइए क्योंकि ये तो आपको निकालना ही है, 20 को अंडर रूट एक्स से गुणा करना तो क्या होता है, तो ये हम आगे ले आते हैं। फिर आप देखिए 1360 में से हम ये वाली संख्या जो ये पीछे ले जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, तो यहाँ हम कर देते हैं 720, तो 1360 में 720 गया तो ये आया आपका 40 और 13 में से 7 गया तो 6, तो ये आ गया आपका 640, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो अंडर रूट एक्स है ना इसको आपको यहाँ पे सामने ले आना है, तो ये जो 20 है ये आप ले आइए इसके नीचे 640 के नीचे, तो यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, तो 1 0 से 1 0 गए और 2 से 2 काटा तो क्या आया 32, पर दोस्तों ये जो 32 आया है ये आपका अंडर रूट का मान आया है, आपको निकालना क्या है ये इसके अंडर रूट के अंदर जो संख्या है एक्स उसका मान निकालना है, तो अंडर रूट का मान निकालेंगे हम क्या करेंगे 32 को 32 से ही गुणा कर देंगे, तो 32 को 32 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो ये आपका आया 900, सॉरी 3 × 3 = 9,
दूनी चार, दो तीन छः, छः बारह, हाँ बारह आया यहाँ पे। तो चार यहाँ पे चार का चार और ढाई का इसमें दो है तो दो, नौ को एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1024। इसका मतलब आपका जो एक्स का मान आ रहा है वो आ रहा है 1024। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और यदि आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो कीजिए हमें कमेंट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए वंदे मातरम।